हाय एवरीवन, मुँ गणेश तुम समस्त को स्वागत करुच्ची श्रीधर पाढ़ी यूट्यूब चैनल रे। तो पिला आम आगर तुम 12 नंबर पर्यंत क्लास करी तो 12टा क्वेश्चन आम कर दे मुझे 40 मिनिट कारण से मो फास्ट क्लास था। मुझ तुमको देखा चाहूँ कि तुमको केते पाठ आसी तुम कमेंट रु तो मुझे बुझीगली बर्तमान आमको स्पीड जावाक पड़ो कारण कल क्लास बहुत सारा पे कहे सार आप पढ़ाऊँ ठीक बट स्लो पढ़ाऊँ मोर स्लो पढ़ेबार गोटे रिजन थिला काले को पिला न बुझी पारिबो हमको सब पिला को बुझेबा को हबा से पे मु स्लो पढ़ाऊ किंतु आज मु टिके स्पीड पढ़ेबी आउ टिके अधिक क्वेश्चन करिबी जोड़ा तुम्हें माने कहुथिलो ताकु ही करिबा। तो चल वर्तमान आम 13 नंबर क्वेश्चन करिबा। देखो पिला माने 13 नंबर भली गोटे क्वेश्चन आम पूर्व 12टी रे गोटे क्वेश्चन थिला सेई भली क्वेश्चन केमति थिला कहलो 985 + 15 ए भली क्वेश्चन सेई यही भाई क्वेश्चन को जमी करते तुम सेमती कर। तो बर्तमान तुम्हें जदि से भिडटी देख न पूर्व भिडटी अर्थात आम फास्ट क्लास टी देख न प्रथम मोर अनुरोध यही भिडटी ये बंद कर फास्ट क्लास जार लेंथ हूँ 40 मिनिट ताक तुम टे 2x स्पीड कि 1.5x। तो पे 2x देखनी कारण 2x बुझी पार नहीं 1.5x स्पीड रे देखी दियो देखी आसिक यही भिडटी देख। तो चल 13 नंबर क्वेश्चन करिबा। देखो एमती 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यही क्रम रे मतलब एमती केवल 1 2 3 4 आसिबो 2020टी पदर समष्टि केते केतेटी पिला 2020टी पदर ये होजि गोटे पद दुईटा पद तीनटा पद चारटा पद पांचटा पद छटा पद सातटा पद आठटा पद नौटा पद दसटा पद एगारटा पद बारटा पद एटी बारटा पद देछि एही भली 2020 रे मिसेइबो तम माने भाबिबो कि सर 2020टा पदर मिसेला बेलू तो बहुत समय लागिबो एक्चुअली पिला मैंने सत कथा 2020 पद जब तुम मिस तुमको बहुत समय लगे बट देख ये गोटे सिक्वेन्स अच्छी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सदा बेले सिक्वेन्स को फलो कर कौट सिक्वेन्स अच्छी को मिसई दि 1 2 3 4 को टोटाल मिसई दि के 4 3 7 8 10 टोटाल ये हूँ कैसे पे 10 हूँ। तो चारिटा को लेकिन कौन आम गोटे ग्रुप करे ये चारिटा हूँ कौन गोटे ग्रुप आमर ये चारिटा हूँ कौन गोटे ग्रुप आमर तो टोटल केतेटा ग्रुप आम से भाव चार हरी दि 2020 को चार हरी दिले जी बार से ग्रुप हम चार हर 4 5 20 तापरे शून रखा 4 5 20 टोटल के 505 पद हम ये जो आम चारिटा को लेकिन गोटे लेखा करे के 505 पद तो गोटे पदर समष्टि अर्थात 1 2 3 4 समष्टि के 10 गोटे पद आम 10 आसोटी तो पद आस पे 505 पद 10 गोटे थे 10 आसी टोटाल पद हूँ 505 पद टोटाल आम उत्तर के 10 × 5 = 5050 हम आम सठिक उत्तर के 5050 ऑप्शन डी हम आम सठिक उत्तर। जदि न बुझी पार मु तुमको पूर्व भिडियो कही थी आम क्लास रूल खाता पेन धरिकी बस खाता पेन धरी न जो मैंने बुझी पार नहीं तुमको लिखिकी दौर कारण मुझ क्लास रू टे स्पीड करी बुझी पार पे टिके स्पीड करवा दरकार अच्छी जदि हम मुझम गोटे गोटे दिन एक्स्ट्रा क्लास नेबी। देख आमर मेन कर्तव्य हूँ तुम मानक सिलेक्शन करवा। तो बर्तमान चल आम 14 नंबर क्वेश्चन को जीवा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन क्यों क्षुद्रतम संख्या को 4 6 8 द्वारा भाग कले भाग शेष यथाक्रमे 2 4 6 रो यही क्वेश्चन को मुझ पा मानक कौन कही पे पूर्वर सूत्र मन पका भाजक मानकर लसागु भाजक मानकर लसागु केते हबो 4 6 8 लसागु पिला माने एमती निय 4 6 8 दुई को पणिया रटले 2 2 4 2 3 6 2 4 8 तो बर्तमान ए पुनी दुई को पणिया कटियो 2 1 2 एठी 3 ओले आसीबो 2 2 4 3 2 6 2 12 2 24 लसागु केतेला 24 तो अंक मानकर लसागु आउ भाजक एवं भागशेष भितरे थिबा अंतर 4 2 गेले पिला माने 2 6 4 = 2 8 6 = 2 तो कहते -2 24 + 2 = 22 तो सूत्र जब तुम मन पड़ी पूर्व वीडियो देख कारण मुझे सेम क्वेश्चन आंसर को रिपीट करी ना सूत्र मन पड़ी पूर्व वीडियो देख यही गोटे क्वेश्चन अच्छी तो आंसर के पे आंसर हम 22 तो किंतु मु तुमको कहि यही जो सुजा क्वेश्चन थी ना तुम्हें केत सूत्र पकौच पकई पार ना चेक कर पे देख आउ गोटे 8 सुजा ये आम 4 को भाग कर 4 द्वारा 22 × 4 के पे 4 5 20 भागशेष रही 2 ठीक अच्छे
बैश को आम छा भाग करवा बैश को छा भाग कले छी अठर भाग शेष के चारि तो चारि तापर आठ द्वारा बैश को भाग कर बैश को आठ द्वारा भाग कले पे मैंने के आठ दुगुण षोह षोह छ बैश षोह के मिसले बैश छ तो भाग शेष के छ छ बला तो यहीटा कौन करुची ना यही सब तथ्य को ठीक भाव में साटिस्फाए करुची तो यहीटा आंसर हम तुम एमती चेक कर आंसर बाहरी सारापर जो तुम पाखे टाइम बढ़ुची एमती चेक कर तुम आंसर ठीक अच्छी ना ना बुझिपार ना तुमको सूत्र मन रख भाजक मान लगु विजुक्त अंतर क्या मध्य भाजक आ भाग शेष मध्य जी अंतर अच्छी तुम भाजक मान लगुर फेड़े तुम आंसर टी बाहरी बर्तमान चले आम पंदर नंबर क्वेश्चन देखा पंदर नंबर क्वेश्चन हूँ बहुत सुझा कि पे कन्फ्यूज हमें दस रचाश परसेंट पे प्रथम जहाँ देखिए बाहर कर दस रचाश परसेंट मान कौन पचास शतकड़ा मान कौन दस गुणन पचास विभक्त शहे तो बर्तमान शून को शून काट ये शून को शून कटिला आ गए शून को ये शून कटिला दस रचाश परसेंट मान पांच ये लिख दस रचाश परसेंट मान पांच कोड़े रचिश परसेंट कोड़े रचिश परसेंट मान कोड़े गुणन पचिश बहे बुझिपार तो शून को शून काट दुई कपणिकार काट दुई पंचा दस पांच कपणिकार काट पांच पंचा पचिश तो कोड़े रचिश परसेंट मध्य पांच तो पांच प्लस पांच के मैंने दस ऑप्शन ए हम सठिक उत्तर बर्तमान षोलो नंबर क्वेश्चन चल षोलो नंबर क्वेश्चन आम पूर्व भिडियो करे पे मैंने पांच पांच देखिए पूर्व भिडियो एक प्लस एगार प्लस शहे एगार प्लस एगार शह एगार एमती कतोटी ये कोड़े टी संख्या से तीसटा संख्या यही कर आ पे गोटे चेंज से क्वेश्चन शतक अंक पचार अंक ये दशक अंक मुझे क्वेश्चन तुमको बुझे केमी दशक अंक बाहर करमी एकक अंक बाहर कर यही क्वेश्चन टी तुम भिडियो पज कर भिडियो को पज करके क्वेश्चन टी कर सारिक मत कमेंट आंसर जना जदि न बुझी पार पूर्व भिडियो देख तो बर्तमान भिडियो को पज कर भिडियो को बंद करके भिडियो को बंद कर मैंने क्लिक करके मझे जी जो पज हो जाए मतलब भिडियो टी रख ये क्वेश्चन टी आग कर प्लीज पे मैंने कर देख एटा केमती कर सारे ना जदि न कर पज करके कर ना तुम पीएमएस टी हेनी निजे कर जदि न करु तो पीएमएस टी हेनी न आसी ठीक अच्छे जब तुमको कल आसलानी तथापि ठीक अच्छे बट तुम खाता पेन में कर जदि न कर तुम पीएमएस टी हेनी तो देख मुझे समस्त करदे थमती लिख फास्ट लिख पांच तापर लिख पंचावन तापर लिख पांच पंचावन तापर पांच हजार पांच पंचावन तापर पंचावन हजार पांच पंचावन पिला माने एई भली केते हमरा कोड़ेटा संख्या कोड़ेटा बनेला ए भली कोड़ेटा संख्या तो प्रथम घर मिसा प्रथम घर पांच कोड़ेटा पांच थी कोड़ेटा पांच को मिसेले केते हो पिला माने कोड़े गुणन पांच शहे तो ये शून रख ये आस पे दस आसपे सेकेंड घर के पांच थी कारण फास्ट घर कोड़ेटा अच्छे मैंने सेकेंड घर गोटे पांच कम अच्छे यही पांचटा के पांच थी उन्नीसटा पांच तो उन्नीस गुणन पांच उन्नीस पांच गुण लगे पे मैंने नौ पंचा पैंचाश पांच रखिले चार पांच के पांच चार नौ पंचानबे तो ये कौन पांच लिखी दब ना पे पंचानबे दस मिसा पंचानबे दस मिसे लिखे हाँ पे मैंने शहे पांच तो ये रख पांच रखी जी दस तो आम कम पचार दस घर अंक के मैंने पांच जदि न बुझी पार पूर्व भिडियो देख आई भिडटा को निजे ये क्वेश्चन टाक निजे कर बुझीपार मुझे स्पीड बुझे कारण यहाँ बहुत ही सुझा तो तुम मैंने जमा भी व्यस्त हुआनी ये क्वेश्चन तुम मैंने टी टाइम देक कर तुम मानज तुमको रिक्वेस्ट करुच्ची तुम्हें निजे कर ये क्वेश्चन टा ये क्वेश्चन टा जमा भी भिड़ ना ना पूर्व क्वेश्चन टा जा बुझ पूर्व क्वेश्चन पूर्व भिडियो देख कारण पूर्व भिडियो मुझे बहुत ही बहुत थर से रिपीट करके बुझे देख पे यही क्वेश्चन जो था सतर नंबर दुईट संख्यार जोगफल आमर मुख्यतः तो सब टीचर मैंने कौन करती कही गोटे संख्या ए आ गोटे संख्या बी ए जुक्त बी हम पैंचाश गोटे संख्या अन्य संख्या द्वारा भाग कले भागफल चार हुए अर्थात ए को जब आम बी द्वारा भाग करवा भागफल के पाने भागफल हम चार अर्थात एमती लिखती ए इज इक्वाल टू फोर बी एमती बहुत सारा टीचर बताती यही ए जगार कौन पका पे कह फोर बी प्लस बी इज इक्वाल टू पैंचाश तापरे फाइव बी इज इक्वाल टू पैंचाश बी इज इक्वाल टू के पे नौ
तापरे ए इज इक्वल टू 45 बाय पिला माने 9 एमती बाहर करनी 36 तो एक्चुअली तुम माने एमती बाहर करबनी ए प्लस बी नहीं कि ए भली क्वेश्चन बाहर करबनी कारण एथरे तुमरो अधिक टाइम दिबो ए क्वेश्चन ए मेथड टा ठीक एटा कांसेप्चुअल मेथड अर्थात जो पिला को ए मेथड आसी तार कांसेप्ट बहुत भलो जदी तुमको एटा आसी ना तुम गोटे भलो स्टूडेंट एटा माने रखो ए प्लस बी रे जहाँ को बाहर कर भल गोटे ब्रिलियंट स्टूडेंट आम कही पार्बा कारण यहाँ कन्सेप्चुआल बट आम को पे मैंने सर्टकट्रे बाहर करार अच्छी तो सर्टकट्रे तुम कमी बाहर कर सर्टकट्रे बाहर करपसन देखो ये क्वेश्चन अप्सन के देख चल देखा कौन देखिए ये मन रख आग दुईट संख्यार जोगफल 45 अर्थात मिसाइल 45 हो गोटी को अंट द्वारा भाग कले भागफल 4 हो देखा मिसेल कोड़ा 45 होची आ गोटे को अन्य द्वारा भाग कले कहार भागफल केते होची पिला माने 4 होची तो ऑप्शन देखिबा ऑप्शन नंबर एपटे अछि देखो पिला माने मिसेल 45 होतबो आ भाग कले भागफल केते होतबो 4 होतबो देखो पिला माने 17 आ 28 को भाग कले भागफल 4 होबे कि ना 15 को 30 द्वारा भाग कले भागफल केते होबो 2 5 को 40 द्वारा भाग कले केते होबो भागफल 8 9 को 36 द्वारा भाग कले भागफल केते होबो 4 तो भागफल 84 होची ता माने एटा होची सठिक उत्तर आ 36 को 9 रे मिसा देखिबो 45 होबो उत्तर तो देखिले पिला माने एथि केते गोटे सेकंड रे बाहरि गला जदी तमे करथन तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 ए इज इक्वल टू 4b तापर 5b इज इक्वल टू 45 बी इज इक्वल टू 9 ए इज इक्वल टू 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36 तो ए 36 बी 9 बाहर कला तुमको 5 मिनिट लगे कि उत्तर चेक कर दो तुमको 2 रु 3 मिनिट अति बेस लगे आ जो पिला भल पढ़ुं गोटे मिनिट ही लगे बुझिपार तो आशा कर बुझी थो सदा यही क्वेश्चन रपसन आड़ जावाक चेषा कर आम पठानी सामंत परीक्षा में तुमको गोटे सटे बताऊँ सदा बेले अप्सन आड़ आंसर बाहर कर चेषा कर कौन अप्सन आड़ आने कनफर्म हो आंसर बाहर कर द्वंद्वे द्वंद्वे आंसर बाहर करेंगे भूल हमारे चान्स बेस अच्छे तो देख यही क्वेश्चन यही क्वेश्चन टाइम तुम मन को होमवर्क दूसरी 18 नंबर क्वेश्चन टाइम तुम होमवर्क एटा कौन तुम होमवर्क तुम समस्ते कमेन्ट्रे जन कहीं पे क्वेश्चन टाइम टी डिफिकल्ट लेवल मतलब सुजा क्वेश्चन टा बट पा प्राय पा तुम नुह पे समस्त पिला प्राय पा क्वेश्चन टी आसे समस्ते कन्फ्यूजन केमती करू कौन करू यही क्वेश्चन टा को तुमको नेक्स्ट क्लास यार आंसर बतेबी कौ क्लास रे नेक्स्ट क्लास रे एटा मन रख 18 नंबर क्वेश्चन तुम होमवर्क अच्छी मुझे क्लास स्टार्ट करा पूर्व प्रथम 18 नंबर बुझेबी तापर जाइकी जहाँ देख पे तुम यार आंसर बाहर कर कमेंट रे लिखिबो कि केमिति आंसर बाहर कल यही चारटा भितर कौन आंसर हम केमिति आंसर बाहर कल एटा को लिखिबो तो चल बर्तमान 19 नंबर क्वेश्चन देखा 18 नंबर पे व्यस्त होनी मुझे तुमको बुझेबी कि तुम मैंने आगे कर मुझे देखा चाहूँगी मोर के जन पा क्वेश्चन आसूस तो ये कौन देखो पे एक्स एटी स्टार देखिए वाई देखिए एमती गोटे ईटे दे दी तो यही क्वेश्चन जो देखो पे देख ये कौन देखिए ना एक्स जगार कौन अच्छे 5 वाई जगार कौन अच्छे पे माइनस 2 तो बर्तमान ये जो एक्स अच्छे 5 पका वाई जगार माइनस 2 पका तो 2 × 5 प्लस 3 वाई जगार कौन अच्छे पे माइनस 2 गुणन माइनस 2 3 × −2 प्लस 1 5 × 10 प्लस 3 × पिला माने 6 किंतु एटी माइनस 2 अच्छी 3 − 2 गले केते हबो माइनस 6 प्लस 1 10 × 6 गले के पिला माने केते प्लस माइनस माइनस हो जीवन गुणा है कि 10 × 6 गले केते 10 − 6 प्लस 1 10 × 6 गले 4 प्लस 1 = 5 तो उत्तर केते हबो पिला माने ऑप्शन बी हबो उत्तर बुझी पारलन ना बुझी भी पारिबन मोस्ट ऑफ पिला बुझी पारथे जो माने बुझी पारथे से मानकर आराम से हि जीवो जो माने बुझी पारनो से माने टिको अधिक समय परिश्रम कर कारण यहाँ हूँ सबुठ सुजा क्वेश्चन आम कहीपर तो देख एक्स स्टार वाई देखिए यार भैल्यू ये तो 5 * −2 तो एक्स जगह कौन आसा पे मैंने 5 आसला वाई जगह कौन आसला −2 आसला तो ये एमती एक्स जगह तुम कौन कर 5 कर वाई जगह −2 कर तो 3 को −2 गुणले कैसे हम −6 2 को 5 गुणले कैसे हम 10 − 6 प्लस 1 तो मैंने कहे सर ये तो प्लस था माइनस कमी गले तो पे माइनस प्लस माइनस 6 को गुणिले के −6 हम 10 − 6 प्लस 1 मुझे गोटे स्टेप ओमिट करदे ओमिट मैंने गोटे स्टेप छाड़ी सीधा आंसर बाहर कली आमको आंसर बाहर करता
बुझी पारला ना? जदि न बुझी पारला रिपीट करके वीडियो टी को देख। तो बर्तमान चल 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन हम गोटे सर्ट ट्रिक बताइए पी मैंने। फास्ट देख मुझे तुमको बुझे चेस्ट करुच्छे। देखिए कौन गोटे बहुभुज, बहुभुज मानते तार बाहु संख्या के आम जाने किंतु से गोटे बहुभुज बोले आम जाने बुझीपाल कि पे क्षेत्र दुईट कोण 90 डिग्री अर्थात दुईटा कोण अच्छी 90 डिग्री। दुईटा कोण 90 डिग्री मैंने कौन से एमती है गोटे कोण 90 डिग्री आ गोटे कोण 90 डिग्री। तापर कौन देखिए अन्य समस्त कोण 120 डिग्री। अन्य समस्त कोण किए किए आम जाने कि समस्त 120 तो 120 कर एमती गोटे 120 एमती गोटे 120 एटा पे मैंने एमती गोटे 120 एटी भी होता पारे तो एटी 120 एटी 120 एटी 120 तो मैंने सर आम के जानवु। तो देख यहीटा आम गोटे भाभीचे कि एक्चुअली चित्र नुह यार गोटे फर्मूला अच्छे कौन फर्मूला तो मुझे तुमको बतौर तो पे मन रख सदा बेले गोटे बहुभुजर बहिस्त कोण मान समि 360 डिग्री। कौन बहुभुजर बहिस्त कोण मान समि 360 डिग्री। तुम कह सर यहीटा कौन बहिष्ठ कोण कौन तार समि 360 डिग्री कौन तो तुमको सिंपल बुझाऊँ गोटे बहुभुज धन्य यहाँ गोटे आयत चित्र यार पे मैंने बहिष्ठ कोण कौन एरा हूँ यार सब बहिष्ठ कोण कौन पे मैंने यही गुड़ाक सब हूँ यार बहिस्त कोण यही कोणटा हूँ तार बहिस्त कोण यही कोणटा हूँ तार बहिस्त ये कोणटा हूँ तार बहिस्त ये कोणटा हूँ तार बहिस्त के सब 90 डिग्री एर सब 90 डिग्री कहीं ना यही कोण आई कोण मिसिकी 90 डिग्री तो बहिष्ठ कोण मैंने 90 90 90 90 टोटाल के 90 मैंने कौन 360 डिग्री। तो यहीटा मन रख बहिष्ठ कोण मान समि 360 डिग्री गोटे बहुभुजर तो मैंने कहते सर आप आयत चित्र नहीं देखे बर्तमान आउ कौन नहीं देखा बर्तमान चल त्रिभुज देखा कारण तुमने आयत चित्र तो सहज था से बुझे बर्तमान त्रिभुज तो त्रिभुजर बहिष्ठ कोण किए पे ये पचारे सर त्रिभुजर बहिष्ठ कोण किए देख यहीटा हूँ त्रिभुजर बहिष्ठ कोण यार यहीटा हूँ बहिष्ठ कोण आईटार पे किए ये हूँ बहिष्ठ कोण कौटा यहीटा हूँ बहिष्ठ कोण यहीटा बुझिपाल कि त्रिभुजर बहिष्ठ कोण हूँ यहीटा। तो ये जो तीन टार समस्त पे ए बी आउ सी सदा बेले 360 डिग्री हम ग्यारंटी 360 डिग्री हम कहीं धरने पे मैंने यहीटा 60 डिग्री यहीटा 60 डिग्री मैंने कौन ये आंगेल के 120 डिग्री कारण यहीटा मिसे यहीटा मिसिकी 180 डिग्री तो यहाँ 120 डिग्री तो ये बाहर कोण सबुतक मिसिकी 360 डिग्री हम गोटे बहुभुजर। तो बर्तमान चल आम करवा तो देखिए कौन ना दुईट कोण 90 डिग्री जदि दीटा कोण गोटे बहुभुज दीटा कोण 90 डिग्री है तो बहिष्ठ कोण कहते बहिष्ठ कोण अंतस्थ कोण मिसिक 180 डिग्री हमें तो दुईट कोण जदि 90 डिग्री आउ गोटे दीटा कोण कौन हम बहिष्ठ कोण 90 डिग्री 90 डिग्री तापर देखिए अन्य समस्त कोण 120 डिग्री जदि अन्य समस्त कोण 120 डिग्री हमें तो बहिष्ठ कोण के 160 डिग्री हम खाली 60 डिग्री कारण 120 60 डिग्री मिसिले जाए 180 डिग्री कारण जिते बड़े देख बुझी पार्लानि ना तुमको आउ थे बुझे देख यहाँ गोटे त्रिभुज यार गोटे बहिष्ठ कोण है यहाँ तो धरने यहीटा 60 के पाने 180 माइनस 60 अर्थात बहिष्ठ कोण अंतस्थ कोण मिसिकी सदा बेले 180 डिग्री हम तो ये अंतस्थ कोण देखिए 120 डिग्री तार बहिष्ठ कोण के 60 डिग्री कारण अंतस्थ आ बहिष्ठ कोण मिसिक सदा बेले 180 डिग्री आंगेल हम तो 60 डिग्री हूँ कौन पे तार कौ कौन बहिष्ठ कोण तो 90 90 के 180 डिग्री आमको देदेला टोटाल कितु आम बहिष्ठ कोण दरकार 360 डिग्री बहिष्ठ कोण दरकार आमर गोटे बहुभुजर बहिष्ठ कोण सदा बेले 360 डिग्री ये 180 डिग्री आईला आउ आम के डिग्री हेल्ले 360 डिग्री हम आउ आमको 180 डिग्री हेल्ले 360 डिग्री तो ये 60 डिग्री लेखा केतटा दरकार ना तीन टा अर्थात ये 120 डिग्री लेखा केतोटी कोण अच्छी तीनोटी कोण तीनोटी कोण 90 डिग्री लेखा दुईट कोण टोटाल कोण संख्या के से बहुभुजर टोटल कोण संख्या हूँ 5 आउ पे मैंने मन रख बहुभुजर कोण संख्या जी बाहु संख्या से अर्थात यार बाहु संख्या के 5 बाहु ऑप्शन बी हम सठिक उत्तर तो मैंने कह सर बाहु संख्या जी कोण संख्या बहुभुजर तो देख पे त्रिभुजर बाहु संख्या के 1 2 3 तार कोण संख्या के 1 2 3 चतुर्भुजर देख चतुर्भुजर बाहु संख्या के 1 2 3 4 कोण संख्या के 1 2 3 4 पंचभुजर पे मैंने सेमती पंचभुजर भी तुम सेमती देख देख 1 2 3 4 5 तो पंचभुजर मैं देख 5 तो जार बाहु संख्या जी गोटे बहुभुजर बाहु संख्या जी कोण संख्या से बुझिपार
ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲ ରିପିଟ୍ ଦେଖ, ସରି ପିଲା ମାନେ ଘରେ ରୋଷେଇ ହଉଛି, ତାର ପ୍ରେସର କୁକର୍ ସାଉଣ୍ଡ, ଜମା ବି ତମେ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଅନି, ତମେ ଆମର ପଢ଼ାରେ ଫୋକସ୍ କର। 20 ନମ୍ବର ଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଆମର 21 ନମ୍ବର କୁ ଯିବା। 21 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ତ 21 ନମ୍ବର ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏତିକି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, ତମେ ଦେଖ ଦେଇଛି, ଟିକେ ରୁହ, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯଦି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତେବେ ଏକ୍ସ ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମାନ କେତେ ହବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଦେଖିବ ଧରିନିଅ ମୁଁ ପଚାରିବି 212, 212 ପିଲାମାନେ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନା ନାହିଁ, ତମେମାନେ କଣ କରିବ ତାକୁ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ନା କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମକୁ ସଠିକ୍ କହୁଛି, ଏଇ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇ ଦବ। ଏଇ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ, 2, 2, 4, 1, 5। ତାପରେ ଦେଖିବ ତିନିକ ପଣିକିଆରେ 5 ଆସୁଛି କି କୋଉଠି, ନା 5 ଆସୁନି, ମାନେ ସିଏ ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛି, 213, 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି, ମିଶା 2, 1, 3, 3, 6, କେତେ ଅଛି ମିଶେଇଲେ 6, 6 ତିନିକ ପଣିକିଆରେ ଆସୁଛି କି, ହଁ 3 × 2 = 6, ତ ଏଇଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ କି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା କଣ ଆମର 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କେମିତି ଜାଣିବ, ତାକୁ ମିଶେଇ ଦବ, ଯଦି ମିଶେଇଲା ପରେ ସିଏ ତିନିକ ପଣିକିଆରେ କୋଉଠି ଆସୁଥିବ ମିଶାଣ ଫଳ, ତାହେଲେ ସିଏ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବ ମତେ ଲାଗୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ମିଶା, 4, 5, 9, 6 କେତେ ପିଲାମାନେ, 9, 6, 15, 15, 7, 22, ତ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା 22। ଏଇଠି କେତେ ଆସିଲେ ସେଇ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ 2 ଲେଖିବା, 22 ରେ 2 ମିଶିଲେ କେତେ 24, 22 ରେ 2 ମିଶିଲେ କେତେ 24, 24 ତିନିକ ପଣିକିଆରେ ଆସୁଛି ନା ଆସୁନି, 3, 8, 24, ତ ଏଇଟା ହବ। ତ 2 ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟା କଣ ପିଲାମାନେ, 2, ତ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ହବନି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ହବନି। ତାପରେ କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ବାହାରିଲା ସେଥିରେ 3, 3 ମିଶେଇ ଦବ, 2 ରେ 3 ମିଶିଲେ 5, 5 ରେ 3 ମିଶିଲେ 8, ତ ଏଇଟା ହବ। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ନା ଦେଖ, ଯଦି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଛି 8, ତାପରେ କଣ 3, 8, 24, ତାପରେ କଣ ଆସିବ 3 ନୂଆ ଆସିବ, ଯାଇକି 3, 9, 37 ଆସିବ, 24 ରେ କେତେ ମିଶିଲେ 3 ମିଶିଲେ 37। ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ପାଇଯିବ, 2 ପାଇଗଲ, ତାପରେ ତମେ 3, 3 ମିଶେଇ ଦବ, 3, 3 ମିଶେଇଲେ ତମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ବାହାରିଯିବ। କିମ୍ବା ତମେ କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ସଦାବେଳେ ଦେଖିବ ଅପସନ୍, ଦେଖିବ ଅପସନରୁ ତମେ ଆନ୍ସର ପାଇପାରୁଛ କି, ତାହେଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବ। ଅପସନ୍ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦବନି, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ କୁ କେବଳ ଟିକେ ଦେଖିବ, କେମିତି ଦେଖିବ ନା ଦେଖ, 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ତ ସଦାବେଳେ 3 ଥିବ, 2 ରେ 3 ମିଶିଲେ 5, 5 ରେ 3 ମିଶିଲେ 8, ବଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି 3 ରେ 4 ମିଶେଇଲେ 7 ହେଉଛି। ତ ଏଇ 2ଟା ସଂଖ୍ୟାରୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କେବେ ବି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେବେଳେ ବି 4 ରହିବନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ସଦାବେଳେ କେତେ 3 ହିଁ ରହିବ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ, ମୁଁ ଯୋଉ ସଠିକ୍ ବତେଇଲି, ତାହେଲେ ତମେ ନର୍ମାଲି ଏମିତି ମିଶେଇବ, ମିଶେଇକି 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବ, ତାପରେ ଅପସନ୍ ଦେଖିବ 2 ହଉଛି 2 ହଉଛି, ତାପରେ ଏଠି 4 ପକେଇବ, ଦେଖିବ 4 ହଉନି କିନ୍ତୁ 5 ହଉଥିବ, ଏମିତି ପୁଟ୍ କରିକି ଚେକ୍ କରିବ। ଯଦି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉମାନେ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ଭଲ କଥା, ଯୋଉମାନେ ନ ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିପାରିବିନି, କାରଣ ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯଦି ମୁଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ବୁଝେଇବି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି କରିବାର ଅଛି, ଆମେ କରିପାରିବାନି। 23 ନମ୍ବର ଚାଲ, ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ABCD ଏକ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର, ଏହାର AD AB ବାହୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ EF ଅଟନ୍ତି, ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ABCD ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ତ୍ରିଭୁଜ AEF ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଠି କଣ ପଚାରିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଭଳି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ମୋର ହଉନି ତ ଏଇଟା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ଆଉ ୟାର ଅଧା ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଦେଇଛି ସେଇଥିରେ ବୁଝାଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଧରିନିଅ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଲେ ଆମେ ଧରିନେ ତା ଦେଇନି, ତା ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଇନି, ପଚାରୁଛି କଣ ୟାର ଅନୁପାତ, ମତଲବ ଏଇ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ଆଉ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ କେତେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଏଇଠି ଆମକୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିନି, ଆମକୁ କଣ ପଚାରିଛି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ। ତ ଅନୁପାତ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ନୁହଁ କି ଆମର ବାହୁ ଦବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ବାହୁକୁ ନେଇପାରିବା। ଧରିନିଅ ଏଇ ବାହୁଟା ହଉଛି କେତେ ପିଲାମାନେ, 2A, ତ ଏଇଟା ବି 2A ହବ, ଏଇଟା ବି 2A ହବ, ଏଇଟା ବି 2A ହବ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ପିଲାମାନେ ଦେଖାଯାଉନି ଏଇଟା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ଯଦି ଏଇଟା 2A, ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ EF ବାହୁ ନୁହଁ କି, ୟାକୁ ଅଧା କରୁଛି, ମତଲବ ଏଇ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରକୁ ଅଧା କରୁଛି, ମାନେ ଇଏ ଏ ଆଉ ଇଏ ବି ଏ, 2A ହବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କର ପିଲାମାନେ, 2A × 2A କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହବ, 4A². ତାପରେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ AEF ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କର, ତମମାନଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ, ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ ପକା, ହାଫ୍ ଗୁଣନ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ତ ହାଫ୍ ଗୁଣନ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ଏଠି ଭୂମି କିଏ ଉଚ୍ଚତା କିଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ଯେହେତୁ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, ଏ କୋଣ ଗୁଡା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କଣ ଜାଣିଛେ, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇ ଯୋଉ
ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ହଉଛି ତାର କଣ ହାଫ ଗୁଣନ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦ୍ୱୟ କିଏ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ, ତ ୟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଲା ଏ ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଟୁ, ୟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଲା ଫୋର ଏ ସ୍କୋୟାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି କଣ ଦେଖ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ପାଇଗଲେ କଣ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହଉଛି ଫୋର ଏ ସ୍କୋୟାର। ପତାଜି କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ କାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ। ତ ଅନୁପାତ ପାଇଁ କଣ କରିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଲେଖିଦେବ ଫୋର ଏ ସ୍କୋୟାର, ତାକୁ ହରଣ କରିଦେବ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ଏ ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଟୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହରଣ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଗୁଣନ କଲେ କଣ ହବ ତାକୁ ଆମେ ଗୁଣନ କଲେ ହବ ଦେଖ ଏମିତି ଫୋର ଏ ସ୍କୋୟାର ହରଣ ପିଲାମାନେ ହରଣ ଏ ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଟୁ, ତାକୁ ଆମେ ଗୁଣନ କଲେ କଣ ହବ ଫୋର ଏ ସ୍କୋୟାର ଗୁଣନ ଟୁ ବାଇ ଏ ସ୍କୋୟାର। ତ ଟୁ ବାଇ ଏ ସ୍କୋୟାରକୁ ପିଲାମାନେ କାଟ, ଏ ସ୍କୋୟାରକୁ ଏ ସ୍କୋୟାର କଟିଲା ଏଇଟା ଲେଖା ଦେଖ ଆଠ। ତମେ ଭାବିବ ଆଠ ଆଠ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ତଳେ ଏକ ଅଛି, ଆଠ ଅନୁପାତ ଏକ। ଅନୁପାତରେ ସଦାବେଳେ ପିଲାମାନେ ତଳେ ଯୋଉ ଏକ ଅଛି ତାକୁ ତମକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଅନୁପାତରେ ବାହାରିଲା କେତେ ବାହାରିଲା ଆଠ ଅନୁପାତ ଏକ ବାହାରିଲା, ପିଲାମାନେ କେତେ ବାହାରିଲା ଆଠ ଅନୁପାତ ଏକ ଏଠି ବାହାରିଲା। ବୁଝିପାରିଲ କି ଆଠ ଅନୁପାତ ଏକ, ଦେଖ ଅପସନ କୋଉଠି ଅଛି ଅପସନ ଏକରେ ଅଛି ଆଠ ଅନୁପାତ ଏକ, ତ ଅପସନ ଏକ ଏ ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ତେଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଛି ସେଟାକୁ ତମେ ଖାତାରେ ରେଡ୍ ପେନ୍ରେ ଲେଖ, ଯଦି ରେଡ୍ ପେନ୍ ଅଛି ରେଡ୍ ପେନ୍ରେ ଲେଖ। ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ। ଦେଖି ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା କେତୋଟି ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ତ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ତ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ତିନିଟା ବକ୍ସ କରିବ, ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ତ ଏଠି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦେବ। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପିଲାମାନେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାହା କହିବା ଯାହାର ଏକ ଘରେ ଶୂନ ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ ଆଠ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ଏଠି କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦୁଇ ଅଛି ଆଉ ଚାରି ଅଛି, ତ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଗୋଟେ ଦୁଇ ରହିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାରି ରହିପାରିବ, ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଚାରି ରହିପାରିବ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଲେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏଠି କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ରଖିପାରିବା, ଦଶକ ଘରେ ଆମେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ରଖିପାରିବା ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟା ରଖିପାରିବା, ଏଠି ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟା ରଖିପାରିବା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟା ରଖିପାରିବା। ତମେ କହ ସାର ଚାରିଟା କୁଆଡ଼େ ଆସିବ, ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦୁଇ ଗଲା, ଆମେ ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କିଛି ବି ଏଠି ରଖିପାରିବା ନା, ପାଞ୍ଚ ରଖିପାରିବା ତିନି ରଖିପାରିବା ଚାରି ରଖିପାରିବା ଦୁଇ ରଖିପାରିବା କିଛି ବି ରଖିପାରିବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଞ୍ଚ ତିନି ଦୁଇ ଚାରି କିଛି ବି ରଖିପାରିବା, ଚାରିଟା ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟା ରଖିପାରିବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟା ରଖିପାରିବା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟା ରଖିପାରିବା। ତ ଚାରି ଗୁଣନ ଚାରି କେତେ ପିଲାମାନେ ଷୋହଳଟା, ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚାରି ଗୁଣନ ଚାରି କେତେ ପିଲାମାନେ ଷୋହଳଟା, ଷୋହଳ ଆଉ ଷୋହଳ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ପିଲାମାନେ ବତିଶଟା ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି ହେଇପାରିବ, ବତିଶଟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ତମେ ବୁଝିପାରିଲନି ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ବୁଝିପାରୁନଥିବ କାରଣ ମୁଁ ଏଇଟା ସ୍ପିଡ୍ ପଢ଼ିଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଆଗ ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରିକ୍ରେ ବୁଝୁଛି। ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରିକ୍ରେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଏକକ ଘରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ରହିଲେ କିମ୍ବା ଚାରି ରହିଲେ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କରିପାରିବା। ଧରି ଆମେ ଏକ ଘରେ ଦୁଇ ରଖିବା, ଏକ ଘରେ ଦୁଇ ରଖିଲେ ତାପରେ ଦଶ ଘରେ କଣ ରଖିପାରିବା ପିଲାମାନେ, ଦଶ ଘରେ କଣ ରଖିବା ଧରି ଆମେ ପୁଣି ରଖିଲେ ଦୁଇ ହଉଛି ସପ୍ତ ଘରେ, ଦଶ ଘରେ ରଖିଲେ ତିନି, ଦୁଇ ତିନି ଦୁଇ, ତାପରେ ଦୁଇ ଚାରି ଦୁଇ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଦୁଇ, ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ, ଏଇଭଳି ଚାରିଟା କଲେ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦୁଇ ଦୁଇ ଦୁଇ, ସେଇଭଳି ଆମେ କଣ କରିବା ତିନି ତିନି ଦୁଇ, ତାପରେ ତିନି ଚାରି ଦୁଇ, ତିନି ଦୁଇ ଦୁଇ, ତିନି ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ, ଏମିତି ତିନି ସହିତ କଲେ ତାପରେ ଚାରି ସହିତ ସେମିତି କରିବା, ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ସହିତ ଏମିତି କରିବା, କେତେଟା ହେଲା ଇଏ ଚାରିଟା ଇଏ ଚାରିଟା ଇଏ ଚାରିଟା ଇଏ ଚାରିଟା, ଟୋଟାଲ ଷୋହଳଟା ହେଲା। ପୁଣି ଆଉ କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ଏକ ଘରେ ଦୁଇ ରଖିଲେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଘରେ ଚାରି ରଖ, ଏକ ଘରେ ଚାରି ରଖିଲେ କଣ ହବ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି, ତାପରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି, ତ ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ ତମେ ଚାରିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କରିବ, ଏଇଭଳି ଚାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଷୋହଳଟା ବାହାରିବ ଟୋଟାଲ ବତିଶଟା। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଗଣିଲା ଭିତରେ ନା ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଦଶ ମିନିଟ ହେଇଯିବ, ତମକୁ ମିନିମମ ଦଶ ମିନିଟ ହେଇଯିବ। ସୂତ୍ର କଣ, ସୂତ୍ର କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ଦେଇଛି, ଦେଖିବ ଦେଇଛି ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ତିନି ଅଙ୍କ ମାନେ ତିନିଟା ବାକ୍ସ କରିବ, ତିନିଟା ବାକ୍ସ କରିସାରିବ, ବାକ୍ସ କରି ସାରିଲା ପରେ କଣ ଦେଇଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କଣ ଏକ ଘରେ ଦୁଇ ରହିପାରିବ କିମ୍ବା ଚାରି ରହିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲ କି ଦୁଇ କିମ୍ବା ଚାରି ରହିପାରିବ, ଦୁଇ କିମ୍ବା ଚାରି ରହିପାରିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରିବ, କାରଣ ଗୋଟେ ଥରେ ଦୁଇ ରଖିବ ଗୋଟେ ଥରେ ଚାରି ରଖିବ, ଗୋଟେ ଥରେ ଦୁଇ ରଖିଲ ଗୋଟେ ଥରେ ଚାରି ରଖିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘରେ ପିଲାମାନେ କଣ ରହିପାରିବ, ଏଇ ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ କିଛି ବି ରହିପାରିବ, ତ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଚାରି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଏଇ ଘରେ କଣ ରହିପାରିବ, ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କିଛି ବି ରହିପାରିବ, ମତଲବ ଚାରିଟା ଜାଗା ରହିପାରିବ ଚାରି। ତାପରେ ପୁଣି ଏଇ ଘର ଭିତରେ କଣ ରହିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ଚାରିଟା ଜାଗାରୁ କିଛି ରହିପାରିବ, ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଚାରିଟା ଜାଗାରୁ କିଛି ବି ରଖିପାରିବା ଆମେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣିଦେବା, ଚାରି ଗୁଣନ ଚାରି ଷୋହଳ, ଚାରି ଗୁଣନ ଚାରି ଷୋହଳ,
आउ ए दिटा को मिसाई देबो टोटल संख्या होची एतिकडा संख्या में तैयारी करी परबा यार पिला माने कांसेप्ट मध्ये मु तुमको बुझे परबी किंतु ए कांसेप्ट बुझे बारे जहाल 30 मिनट जीव किंतु हम क्लास टे हमें घंटे भीतर सारीबा कारण पिला माने सब पिला मानको पूर्ण तंगरा अलग काम करिवार अछि। 24 नंबर क्वेश्चन लेको 24 नंबर क्वेश्चन मध्ये ठीक है इंपोर्टेंट टाइप रो मोस्ट इंपोर्टेंट नुहा किंतु अल्प इंपोर्टेंट टाइप रो कारण एभले क्वेश्चन मध्ये रिपीट हुए आ ओ क्वेश्चन त माने समस्त करि देबो मोर आस्था तेजी 2 टू दी पावर बा 2 रो घात 30 2 रो घात 30 को हमें 7 द्वारा भाग कले भाग शेष केता हबो एई क्वेश्चन ने पिला माने कोन असुविधा करंती ना से माने 2 रो घात 30 बाहर करंती एक्चुअली पिला माने जतबे बड़ घात नथिबो कि तमे केतबे बड़ घात बाहर करिवनी यार कि सदा बेले कंगले जतबे बड़ घात थाए तार किछ शॉर्ट ट्रिक थाए तार कोन किछ शॉर्ट ट्रिक थाए आ से शॉर्ट ट्रिक को मन रख देखो पिला माने 2 रो घात 30 खोजिबो कि 7 रो 7 टू बड़ कोठी 2 रो घात अछि तो 2 रो घात 2 कले 4 बाहर छि तो बड़ नुवा 2 रो घात 3 केते 8 बाहर छि 8 होछि कोन 7 टू बड़ तो ताकु लिखि देबो 2 रो घात 3 तो 3 को कोन लिखि परबे 30 को हम कोन लिखि परबे पिल माने 3 गुणन 10 लिखि परबा तो ए भली कर देबो 2 रो घात 3 गुणन ऊपर रखि देबो 10 बाय 7 तो 2 रो घात 3 को तुम कोन लिखि देबो 8 8 रो घात 10 बाय 7 तो पिल माने 8 को 7 द्वारा भाग करो 8 को 7 द्वारा भाग करो भागशेष देखि केते रहउछि 7 के 7 भागशेष बल्ला केते पिल माने 1 तो भागशेष 8 रो घात 10 रो मध्ये भागशेष 1 बळिबो बुझी पारलनी मु टिके स्पीड पढ़े छी जानी छोड़ी कि कारण स्पीड रे जो माने बुझी पारछ मु जानी छी मोर किछि पिला स्पीड रे बुझी पारथबे आ सेही पिला मानकर पठानी समान त ग्यारंटेड होबो मु एडा तुम मानको ग्यारंटी सहित कहि परबी तो देखो आउ थरे 2 रो घात 30 को सदा बेले 7 टू बड़ करिक लिखिबो मतलब ए 2 टा को 7 रो बड़ करिक लिखिबो केमते लिखिबो ना 2 रो घात एमिति किछि भाबो जोटा 7 टू बड़ होइतबो 2 रो घात 3 नेले से हो जे 8 7 टू बड़ तुम मैंने भाव कि 2 रो घात 10 ने भी तो सी बड़ ना आम पाखापाखी घात ना मतलब 2 रो मिनिमम अर्थात 2 रो सब कम घातटा जी 7 रु बड़ 2 रो कम घात किए 3 जी 7 रु बड़ अर्थात 8 ताको आम 7 द्वारा भाग करवा भागशेष बाहर करवा केते रहउछि भागशेष 1 रहिला बर्तमान से 1 ही यार भागशेष हम कौन से 1 ही यार भागशेष हम एतिक ही तुम कर बुझिपाल एटा को मन रख बर्तमान 25 नंबर क्वेश्चन को चल 25 नंबर क्वेश्चन दिछि 3 जन छात्र ए बी सी मध्ये ए आउ बी रो वयस मिसि 19 वर्ष ए आउ सी रो वयस मिसि 22 वर्ष बी सी वयस मिसि 25 वर्ष हले समान को वयस यथाक्रमे तो पिला माने एठी ए बी सी रो वयस दैछि बहुत सारा टीचर माने कोन करनदि कहनदि ए प्लस बी इज इक्वल टू 19 ए प्लस सी इज इक्वल टू 22 बी प्लस सी इज इक्वल टू 25 तापर यांक भितरु काढिकि तुमको बाहर करनदि किंतु मु कहबी शॉर्ट ट्रिक पिला माने कोन शॉर्ट ट्रिक ए ऑप्शन आडू जाओ ऑप्शन आडू जा माने तुमको बुझेबा को चेष्टा करू छी देखो कोन देछि पिला माने एठी ए बी सी रो वयस दे दे छी तापर हम कोन देछि ए आउ बी रो वयस मिसि केते 19 तो 8 रे 11 मिसिले 19 होउछि हां ठीक अछि तापर ए आउ सी रो वयस मिसि 22 8 आउ 14 मिसि कि 22 होउछि कि 8 4 12 22 ठीक अछि तापर बी आउ सी रो वयस मिसि 25 एटा बी आउ सी रो वयस मिसि 25 होउछि कि 11 प्लस 14 25 अर्थात सब ठीक हो तो ऑप्शन ए हम ठीक उत्तर बुझी पार एमती सदा बेले कौन आमर तुम आम ऑप्शन आड़ू जीव से ऑप्शन ए ठीक बाहर तो ये ठीक कि आम टे बी चेक करके देखा बी ठीक हो जानी पी मैंने बी के भी ठीक हेनी ए आउ बी रयस मिसी 19 11 8 मिसले 19 ठीक होपर ए आउ सी रयस मिसी 22 11 आउ 14 मिसले पे 25 हो सी रयस मिसी के 22 हवा कथा कि 25 हो तो यहाँ हेनी एटा भी हेनी एटा भी हेनी एटा ही सठिक उत्तर एमती कले कौन पे तुम सांगे सांगे आंसर पाई तापर कौन दे पाने टे रुह हाँ आसीगला बर्तमान तापर कौन देख देख देखिए एक बही खोलिले बाहर थोड़ा पृष्ठ दुईट मतलब तुम गोटे बहीटा खोल बहीटा खोलने पे तार दीटा पृष्ठ थी ना एपट गोटे पृष्ठ आपट गोटे पृष्ठ ये पृष्ठ दुईर गुणफल हो 930 पृष्ठ दुईटर संख्या के कौन कर टीचर मैंने कहते गोटे एक्स नहीं जीव आ गए कौन नहीं जो पिला माने वाई ने जो एक्स वाई गुणन हो 930 तो सेमती करेंटा लेंदी फर्मुला फर्मुला कौन पुणी एम ऑप्शन आउट जी ऑप्शन आउट गले जल्दी पाई तो पिला माने दुईट संख्या माने कौन से क्रम थी गोटे 20 थी गोटे 21 थी गोटे 32 गोटे 33 थी तो या गुण ले पे देख तुम 20 को 21 गुणवे फास्ट 20 को 20 गुण दे 20 रु 20 गुण 400 तो ये के लिए तार गुणफल 900 हेनी कारण 20 को 21 गुण के 900 आड़े जीवन कारण 400 मैंने अति बेसी 500 भितर रर्तमान
ତିରିଶ କୁ ତିରିଶ ରେ ଗୁଣ, ଏଇ ଦୁଇ କୁ ଶୂନ କରିଦେ, ତିନି କୁ ମଧ୍ୟ ଶୂନ କରିଦେ, ତିରିଶ କୁ ତିରିଶ ରେ ଗୁଣିଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ ହଉଛି 900। ମାନେ ଇଏ ଆନ୍ସର ହେଇପାରେ, କାରଣ 32 ଅଛି 33 ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ବି ଆନ୍ସର ହେଇପାରେ। ଚାଳିଶ କୁ ଚାଳିଶ ରେ ଗୁଣିଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଯୋଗ କହିଲେ 1600। ଏହାର ଗୁଣଫଳ 1600 ହେଇଯିବ, ସେ କେବେ ବି 900 ହବନି, ମତଲବ 930 ହେଇପାରିବନି। ତ ଅପସନ ଏ ଆଉ ଡି କୁ କାଟିଦେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପସନ ବି ଆଉ ସି କୁ ରଖ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଅପସନ ଏ ହବନି, ଅପସନ ଡି ହବନି, କାରଣ ଏହାର ଗୁଣଫଳ 1600 ଅଧିକ ହବ, ଏହାର ଗୁଣଫଳ ପିଲାମାନେ 500 କମ୍ ହବ। କଣ ହବ? 500 କମ୍, ଏହାର 1600 ଅଧିକ ହବ, ତ ଏ କେବେ 930 ହେଇପାରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଗୁଣିକି ଦେଖ, 33 ଗୁଣନ 32, ତିନି ଦୁଗୁଣ ପିଲାମାନେ 6 ଆସୁଛି, ତ ଏକ ଘରେ 6 ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ ଘରେ ଆମର 0 ଅଛି, ତ ଏଇଟା ବି ହବନି। ଅପସନ ହବ ଏଇଟା, 30 ଆଉ 31 ପେଜ, ତ 100 30 କେ 30, ତାପରେ 30 ଦେଇକି ପିଲାମାନେ 90 ହେଇଗଲା, 930। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ୟାର ଗୁଣଫଳ ହଉଛି 930। ପେଜଟା ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ପେଜ 30, ଗୋଟେ ପେଜ 31, ଯାହାର ଗୁଣଫଳ ହଉଛି 930। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି ବୁଝଉଛି ବୋଲି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ କରିବ ନା, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେବ, ତମେ ସେଠି ବୁଝିବନି, ତମକୁ ଏଠି ଆନ୍ସର କରିବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ସରି ପିଲାମାନେ ପ୍ରେସର କୁକର ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ଦେଇଛି, ଏ ଆଉ ବି ଏକତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ଏକା ସମୟରେ ବାହାରିଲେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ। ତମେ ଏଠି ଏ ବି ଭୁଲି ଯାଅ, ତମେ ଭାବିଦ ତୁ ହଉଛି ଆମର ହରି, ତୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ରାମ, ଯିଏ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦବ, ଦି ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଟରେ ଯାଉଛ, ତୁ ଅଲଗା ବାଟରେ, ମୁଁ ଅଲଗା ବାଟରେ। ତ ଧନ୍ୟ, ଇଏ ହଉଛି ତୁ ହରି, ସିଏ ହଉଛି ରାମ, ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଟରେ ଯାଉଛ। କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛ? 140 ମିଟର ପର ମିନିଟ, ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ସେମ୍ ସ୍ପିଡ, ଅର୍ଥାତ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛ, ସେମ୍ ପାଠ ପଢୁଛ। ଜଣେ ଯାଉଛି ପିଏମଏସଟି ଆଡକୁ, ତୁ ଆମର ହରି ଯାଉଛି ପିଏମଏସଟି ଆଡକୁ, ଆଉ ରାମ ଯିଏ ସିଏ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଟପର ହବା ଆଡକୁ, କିନ୍ତୁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ତାର ହବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟପର ହବା ଆଡକୁ ଯାଉଛି। କେତେ? 140 ମିନିଟ ପର ସରି 140 ମିଟର ପର ମିନିଟ, ଇଏ ବି ଯାଉଛି 140 ମିଟର ପର ମିନିଟ। ତ 5 ମିନିଟ ପରେ ତୁ କେତେ ବାଟ ଯାଇଥିବୁ, ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଯାଉଛୁ 140 ମିଟର, 5 ମିନିଟରେ କେତେ ଯିବୁ? 140 ଗୁଣନ 5 ମିଟର। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଧରିନିଅ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟର ଦାମ ହଉଛି 10 ଟଙ୍କା, ପାଞ୍ଚଟା ଚକୋଲେଟର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା? 10 × 5 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 50। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଯାଉଛି କେତେ ମିଟର? 140 ମିଟର। 5 ମିନିଟରେ କେତେ ଯିବ? 140 × 5, 5×0 4×5 20, 0×2 5×5 7, କେତେ? 700 ମିଟର। ତ ଇଏ ଯିବ କେତେ ପିଲାମାନେ? 700 ମିଟର। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି 700 ମିଟର ଯିବ। ଟୋଟାଲ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା କେତେ? 700 ମିଟର, 700 ମିଟର ମିଶେଇ ଦିଅ, 1400 ମିଟର ହବ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା। ଅପସନ ସି ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ଏଇଟା ଯାହାକୁ ନ ଆସି ସିଏ ଟିକେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ଅଛ, ଆହୁରି ଅଧିକ ପଢାପଢି କର, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯଦି ନ ପଢାପଢି କରୁଛ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ 27 ନମ୍ବର ତ ସରିଲା, 28 ନମ୍ବରକୁ ଚାଲ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ପାଖାପାଖି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, 40 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହେ, ଆମେ ଆଜି 40 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। 28 ନମ୍ବର ଚାଲ, ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଏଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ କେମିତି ବାହାର କରିବ ପିଲାମାନେ? ଆଗ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ମିଶିବ, ତମେ ଆକୁ ଆଗ ଗୋଟେ ବର୍ଗ, ମତଲବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କରିଦେବ, ଗାର ଟାଣିକି ଯଦି ଗାର ଟାଣିକି ତମେ କରିଦେବ, ତମକୁ ଏଇଟା ସୁବିଧା ହବ। ଏଇଠି ଏମିତି କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଖାତା ପେନ୍ ଧରିବ, ପେନ୍ ଧରିକି ଏମିତି ଏଠି ଗାର ଟାଣିଦେବ। ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଏଇଠି ଦେଇଛି 3 ସେମି, ମାନେ କଣ ଏଇଟା ବି ହବ 3 ସେମି, ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଇନି, ଏଇଟା ହଉଛି 5 ସେମି। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ବାହୁଟା ନାହିଁ, ଏଇ ବାହୁଟା ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି 5 ସେମି, ଏଇଟା ତମକୁ ଏଇଠି ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ଦବ, ତ ଏଇଟା 3 ସେମି। ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ? 2 × 2 = 4 × 3 = 7 ସେମି, ଏଇଟା ହେଇଗଲା 7 ସେମି, ଏଇଟା ହେଲା 9 ସେମି। ତ ୟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର? ଆୟତ ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି ନା, ପ୍ରସ୍ଥ ହଉଛି 7, କେତେ? 63 ବର୍ଗ ସେମି। କ'ଣ ୟାର ଇଏ ହେଲା? 63 ବର୍ଗ ସେମି। ତାପରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ହଉଛି 63, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇ ତକ ୟା ଭିତରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ଏଇ ରେଖାଙ୍କିତ ମିଳିଯିବ। ତ ୟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଇଏ ହଉଛି 3, ଇଏ ହଉଛି 5 ପିଲାମାନେ। ଏ ଆୟତ ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? 15 ବର୍ଗ ସେମି। ତ 63 ରୁ 15 ଫେଡ଼ିଯିବ, 13 ରୁ 5 ଗଲେ 8, 5 ରୁ 1 ଗଲେ 4, 48 ବର୍ଗ ସେମି। ବୁଝିପାରିଲନି? ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମକୁ କାଲକୁଲେସନ କରିବିନି, କେବଳ ବୁଝେଇ ଦେବି, କାଲକୁଲେସନ ମୁଁ ତମକୁ ଜମା ବି କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ କାଲକୁଲେସନ ବା ମିଶ୍ରଣ ଫେଡ଼ାଣ ଗୁରଣ ହରଣ ଏସବୁ ତମେ ହିଁ କରିବ। ତ ବୁଝଉଛି ଦେଖ କଣ କରିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ବନେଇଦେବ, ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଦେଇଛି କଣ, ରେଖାଙ୍କିତ। ରେଖାଙ୍କିତ ମାନେ ପିଲା ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ୟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ ହବ, ଏଇ ଟୋଟାଲଟାରୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲଟା ଅଛି ଏଇ ଟୋଟାଲଟାରୁ ଆମକୁ ଏଇ ତକ କାଢ଼ିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଟୋଟାଲର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବ, ତାପରେ ୟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦେଲେ ତମକୁ ଆନ୍ସର ବାହାରିଯିବ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି କେବଳ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ତମକୁ ଦେଇନି, ଏଇଠି ଲେଖିନି, ଏଇ ଯୋଉ ବାହୁଟା ଅଛି ଏଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କୋଉ ବାହୁ? ଏଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର।
तो बर्तमान तुम जब बुझीपाल भल कथा जब न बुझीपाल खाता पेन आउ थे आंसर बाहर कर। बर्तमान चल आम 29 नंबर क्वेश्चन को जीवा। आमे को नंबर क्वेश्चन को जीवा पिला माने 29 नंबर क्वेश्चन को जीवा। 29 नंबर क्वेश्चन देजी कोन देजी जणे व्यक्ति ओ तांको मांकर वयस मिसि 63 वर्ष। तो पिला माने एठी भी एबळी क्वेश्चन ऑप्शन आडु जीवो जणे व्यक्ति आ तांको मांकर वयस मिसि 63 वर्ष एवं जणकर वयस अन्यठर 2 गुणा हुए। देखो पिला माने गोटे 21 अछि गोटे 42 अछि माने 2 गुणा 18 अछि 36 अछि माने 2 गुणा 22 अछि 44 अछि माने 2 गुणा 23 रा 2 गुणा केते पिला माने 46 अछि माने 40 अछि। तो एटा हबनी आंसर कारण कोन देछि ना वयस जणकर अन्यठर 2 गुणा मतलब तुम जितकी बयस तुम माँ तर डबल बयस धन्य गोटे पिला को 21 वर्ष हो माँ को 42 वर्ष तार डबल होती है आउ कौन देखिए बयस मिसी 63 बर्तमान मिसा कौटा 63 हो पा मैंने कौटा 63 होती देख पे मैंने दुई एक मिस लगे थे तीन आस चार दुई मिस लगे थे 63 हम तो ये 63 होती बर्तमान यहाँ मिसा चार दुई छः ये 66 हो तो यहाँ हेनी तपर ये 8 6 14 चार रख लगे तीन एक चार एक पाँच ये 54 हो तो ए हेनी सी हेनी ऑप्शन हम बी। तो ऑप्शन आड बोले सठिक तुम मतलब शीघ्र पाइज कि बहुत सारा टीचर तुमको कौन कहे ए आउ बी मिसा 63 ए प्लस बी माँ को बयस आर बयस धन्य ए आउ प्लस बी इज इक्वल टू 63 हम तापर ए इज इक्वल टू 2b। तो देख पे मैंने यही कले भल कि तुम कनसेप्ट बिल्डिंग हम जो मैंने ये उपायटा जाचना जो टीचर मैंने तुमको बतईन से टीचर हूँ बहुत बढ़िया टीचर किंतु तुमको पठाणी सामंतरे सठिक भी बतेवा दरकार। 30 नंबर क्वेश्चन चल पे 30 नंबर क्वेश्चन पे मैंने यहाँ किसी तुमको सटट्रिक ना या कौन कर फास्ट 29 द्वारा भाग कर कारण बृहतम तापर 23 द्वारा भाग कर देख क्या द्वारा भागशेष आ कि बढ़ुनि केमती कर 10 6 2 6 को 29 द्वारा कर 29 द्वारा कले देख कि भागफल बढ़ीजी तापर 23 द्वारा कर 23 द्वारा कले देख कि भागफल बढ़ ना अर्थात यार बृहतम मौलिक गुणनीयक किए बौलिक गुण नियोगी हूँ 23 ताको तुम कर खातार यटा को मुझे करूनि यार किसी सटट्रिक विशेष करना 31 नंबर देख पे 31 नंबर देखो भितर बृहतर किए दुई घात 22 अच्छे दुई रात 222 अच्छी तो दुई रात 22 के बृहतर हेनी कारण दुई रात 222 अच्छी देख पे मैंने अच्छी 222 रात 2 222 रात 2 मैंने कौन 222 गुण 222 अर्थात 2 2 4 44 4 44 4 4 8 4 4 12 2 1 ये पे हम यहाँ के 49,000 यहाँ 222 घात 2 50,000 भितर रु तुमको कहूँ जिते बड़े पाने कौन अच्छी ना घात देख यार घात 222 अच्छी 2 रात 222 मान आम केधारण भाव गणी पारा ना यहाँ हम सठिक उत्तर तार कारण 222 घात 2 आम गणी पार यहाँ तो आम जानचे 2,222 कितु यहाँ आम गणी पार कारण 222 अर्थात 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 एमती 222 थर 2 को गुणवा जदि आम पूरा खातार लिखा मतलब तुम जो क्वेश्चन पेपर मिलता से लिखे क्वेश्चन पेपर फुल हो तो जितेबाला यही देख कत 100 अधिक अच्छी तेल मोस्ट केसेस आंसर से यहाँ हो जाए मतलब अधिकांश क्षेत्र में आंसर जब यार 100 रु अधिक अच्छी घात तेने आंसर से ही हम देख यार घात जार घात 10 तल को अच्छी मतलब ये बड़ संख्या थी कि तार घात 10 तल को थी कि छोट संख्या थी तार घात 100 रु अधिक थी तो आंसर 100 रु अधिक थी घातवाला हो जाती। 32 नंबर क्वेश्चन हूँ पूरा गोटे मतलब दमदार क्वेश्चन पूरा 1 नंबर क्वेश्चन हूँ 32 नंबर क्वेश्चन आई भेरी इंपोर्टेंट कह बहुत सारा पिला कौन भावु थे सार 2007 घात 2007 भगवान 2007 को 2007 थर गुणबू सर एत समय परीक्षा मिल एक्चुअली तुम्हें गुणी भी पाइब तुमको जब मुझ 10 घंटा टाइम भी देवी तुम्हें 2007 को 2007 थर 2007 घात 2007 बाहर करें कौन मुझे बाहर करना तो मैंने भाव सर आप बाहर कर आंसर तेल कौन हम देख पे मैंने या आंसर कौन हम या आंसर तुमको देखिए कौन एकक स्थान अंक पचार एक स्थान अंक था बेले जिते घात जहाज घात कौन 2007 चार द्वारा भाग कर दि 2007 को चार द्वारा भाग कले भाग शेष के देख चार द्वारा भाग कर भाग शेष के दुई चार पंचा कोड़े तल को आसला शून के शून दे शून आसला चार के चार सतु चार गले पे तीन तो भाग शेष तीन रोच
जेतिकी भागशेष रहइबो 2007 रो घात तमे सेतै कर दबा और भागशेष केते रहला 3 रहला आगो भागशेष बाहर करइबो भागशेष बाहर कर सारि गला पर कोन करइबो भागशेष बाहर कर सारलो तापरे ए जो 7 अछि 2007 रो एकक अंक के 7 7 रो घात भागशेष जेतिक थिला सेतै कर दो भागशेष 3 थिला भागशेष केते थिला 3 थिला तापरे ए जो 7 अछि मतलब एकक घर अंक तार घात सेतै कर दबा तो 7 रो घात 3 तम बाहर कर परबे न कर परबे नि कर परबो 7 को 7 रे गुण लेके 49 49 को 7 रे गुण लेके केते पिला माने 963 3 रखिला 6 तो एठी कोन पिला माने एक घर के आइला 3 आसला तो ऑप्शन ए हबो सटीक उत्तर देखो पिला माने किछि पिला कोन करंती ना जति कि भाग शेष बाहर सेटा को आंसर कर दिंती ना पिला माने भाग शेष एठी मध्ये 3 बाहर दिला किंतु 3 आंसर हबनी भाग शेष को कोन करिवो ना एई एकक घर अंकर घात भाग शेष ए भाग शेष आउ कोन पिला माने जोटा आम भाग शेष बढ़ी था सी हूँ एकक घर अंक 2007 तुम तीन करवल सतर घन बाहर करते सतर घन भी बाहर करवा दरकार नहीं सतर वर्ग है 49 49 को 49 एक घर कि अच्छी 9 9 को 7 गुण दब सदा बेल पे कौन कर एकक घर अंक अंक सह तुम जहाँ गुणन हरण कर सदा बेल जिते कर एकक घर अंक देख कारण ये कौन पचार एकक स्थान अंक बेसी किसी गुणबन तापर देख पे दत्त चित्र 4 सेमी बाहु विशिष्ट वर्ग क्षेत्र 2 सेमी बाहु विशिष्ट वर्ग क्षेत्र रही है रेखाखंड चित्र क्षेत्र बड़ हाँ यहाँ हूँ पे सोजा क्वेश्चन टे 4 सेमी बड़ बा देख कौन दे तुमको बुझाऊँ गोटे मिनट रुह पे बास यहाँ हूँ आम 4 सेमी यहाँ हूँ आम 2 सेमी यहाँ हूँ कौन पे मैंने वर्ग क्षेत्र यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 आईटा पे मैंने कौन ये एडी अच्छी ये पूरा अधा करुच्छी अधा करुच्ची मैंने कौन एटा एक आईटा एक आईटा दुई तो रहा एटा एक एटा एक आईटा कौन पे मैंने दुई एटा दुई एटा दुई एटा दुई या अधा कर 4 सेमी को अधा कले दुई दुई बर्तन देखिए रेखांकित क्षेत्र क्षेत्रफल आपको पचार तो रेखांकित क्षेत्र क्षेत्रफल आम कमी बाहर करवा पे मैंने तो यार सब देख सदा बेल कौन करना गोटे फू ये क्षेत्र थे फास्ट ये टोटाल बाहर करदेव कौन कह मैंने यहाँ मिसेक टोटाल बाहर करके फेड़ दब मतलब ये टोटाल बाहर करपर ये जो खाली स्थान अच्छे आपको फेड़ दब बुझीपार फास्ट टोटाल बाहर कर टोटाल बाहर कले आम कौन जानचे यहाँ जानचे दुई यहाँ जानचे 4 तो गोटे आयत क्षेत्र हो गला तार क्षेत्र 4 दुगुण 8 से वर्ग सेमी 8 वर्ग सेमी तापर देख पे मैंने यहाँ के जानचे आम एक यहाँ एक जानचे कितु यहाँ के जानचे पे मैंने दुई यहाँ दुई मैंने यहाँ भी दुई तो एक गुण दुई ये छोटार क्षेत्रफल के यार क्षेत्रफल दुई वर्ग सेमी दुई वर्ग सेमी तो ये टोटाल हूँ 8 वर्ग सेमी ये छोटा हूँ 2 वर्ग सेमी तो ये रेखांकित के रेखांकित हम 8 माइनस 2 के पे मैंने 6 वर्ग सेमी ये रेखांकित क्षेत्र क्षेत्रफल हूँ 6 वर्ग सेमी यही क्वेश्चन में सेमती किसी भिड़ ना मुझे जानी मोर सब पिला क्वेश्चन करेंगे जदि जो पिला न करो से स्टांडार्ड टी लो अच्छी से आगुरी टी भलसे पढ़ी निके पढ़ा मन ध्यान दि जदि मन ध्यान न दब तेल असुविधा पड़ पार देख पे रही ए बी सी रयस मिसी 100 बहुत सारा पे कनसेप्ट जो मैंने जानते हैं कमी हम ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वाल टू 100 तापर बी रयस सी रयस सी रयस इज इक्वाल टू 2 गुण हम बी बयस एमती करती बट मु तुम कह ऑप्शन आड़ जाओ एमती जो मानक आसती से ब्रिलियंट स्टूडेंट से भल स्टूडेंट जो मैंने एमती बाहर कर भल कि परीक्षा ऑप्शन आड़ बाहर कर कमी बाहर कर देखिए कौन सी रयस के धरने सी रयस 60 जदि सी रयस 60 हम ताले पिला माने बी रो वयस केते हबो बी रो वयस हबो केते पिला माने 30 कारण कोन सी रो वयस बी रो वयस रो 2 गुणा बी रो वयस 30 हबो सी रो वयस 60 हबो कारण बी रो वयस सी रो वयस कोन बी रो 2 गुणा तापर कोन दैछि ए बी रो वयस ए रो वयस तरु 28 वर्ष बेसी अबे जी बी रो वयस ए तरु 28 वर्ष बेसी ए रु 28 फेड देले केते हि जीवो सॉरी बी रु 28 फेड देले ए रो वयस बाहर परबो 30 रु 28 फेड देले 2 तो बर्तमान गोटे रहला 2 गोटे रहला 30 गोटे रहला 60 मिसेर 100 होची कि होउनी तो एई भली देखिबो बाहर करकि मिसेबो कहार बयस तीनटा मिसिकि 100 होउची बर्तमान धरने आमे 64 को देखिबा सी रो बयस देजी 64 बी रो बयस केते तार सी रो अधा हबो सी रो अधा केते 32 64 रो अधा ए रो बयस केते 28 फेडिबा मतलब 28 वर्ष कम बी टू 28 वर्ष कम होची ए 28 फेडले केते हबो 4 तो 64 32 4 मिसिले हूँ 100 4 4 8 10 देख पे 100 हो जाए तो अर्थात सी रयस 64 किंबा जदि तुम यही न बुझी पार ये हूँ सर्ट ट्रिक पे कौन कर लंग क्वेश्चन बुझे दूसरी देखीदेव ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वाल टू 100 बुझीपार कौन
सी इज इक्वल टू टू बी मतलब कौन सी रयस बी रयस दुई गुणा बी रयस दुई गुणा है टू बी जहाँ क्या सहित सामान सी रयस सहित सामान देखिए ए रयस बी रयस ए रयस ठू अठाई वर्ष बेस जार बयस लिखीदेव बी रयस इज इक्वल टू ए रयस ठू अठाई वर्ष बेस अठाई लिखीदेव तो बर्तमान आम जानते बी है तो ये सी जगह कौन टू बी जगह टू होल इन टू ए प्लस अठाई कारण आम बी रयस जानगे ए प्लस अठाई तो सी इज इक्वल टू के टू ए प्लस अठाई दुगण पे मैंने छपन सी रयस बाहरी पड़ा बी रयस बाहरी पड़ा बर्तमान पकई दिव ए बी सी रे बी रयस पका सी रयस पका ए रयस तो ए बी रयस के पे मैंने ए प्लस अठाई ए प्लस अठाई प्लस सी रयस के पे टू ए प्लस छपन इज इक्वल टू के पे शहे बर्तमान यही तुम मिस अठाई प्लस छपन इज इक्वल टू फोर ए इज इक्वल टू अठाई प्लस छपन पे चौराशी मिशाण अच्छे एपट को आए फेड़ाण हम तो फोर ए इज इक्वल टू षोह ए इज इक्वल टू चार ए रयस चार बाहर पड़ा बर्तमान बी रयस बाहर करते अठाई प्लस चार बतीस सी रयस बाहर करते टू ए टू ए मैंने आठ प्लस छपन आठ प्लस छपन चौसठी ये बाहर कर जो मैंने न बुझ पार टे पछ को जाकि स्लो करके देख कारण आमको आज चालीसटा क्वेश्चन करार अच्छे बेस टाइम तो जमी हेल्ला लगे टिके पे धैर्य धरिकी बस जो मैंने न बुझ पार डबल देख जदि तुम भिड को ये स्किप करके पलैब ना तो तुम पठानसा मत हम कारण तुम ये हार मानि जाऊ पैंतीस नंबर क्वेश्चन हबनी बोली मुझे कहबी मुझ चाहिए समस्त हूँ बट तुम्हें मैंने हार मानि जाऊ देख पे क्वेश्चन टे मिस्टेक अच्छी एक्चुअली कौन कहे पे ये आमको दबा कथा यार लेंथटा के क्वेश्चन में यहाँ देनी तो ये क्वेश्चन टे भूल अच्छी धरी न यार लेंथ भी किसी देखे यहाँ केमी कर पे कह क्वेश्चन मुझे बुझे दूसरी तुम कमी कर क्वेश्चन टा भूल अच्छे देख पे यही टोटालटार क्षेत्रफल ये गोटे आयत क्षेत्र यार क्षेत्र के छः मीटर चार मीटर के दर्घ्य उन्नयन प्रस्थ आयत क्षेत्र छः उन्नयन चार के चबीश वर्ग मीटर हम यार क्षेत्रफल के चबीश वर्ग मीटर हम यार क्षेत्रफल तापर कौन कर पे एटी दे था ना यार दर्घ्य दे था कह दर्घ्य कह यार दर्घ्य देते धर दर्घ्य पाँच यार यार क्षेत्रफल के दुगण दस यार क्षेत्रफल है दस वर्ग मीटर तो ये जो रेखांकित चित्र अच्छी कौन यार क्षेत्रफल के बाहर करवा ना ये बड़ रु ये छोटर क्षेत्रफल फेड़ी दे रेखांकित बाहरी पड़ो ना ना हाँ तो चबीश दस पड़े के चौदह वर्ग सेंटीमीटर बाहर वर्ग मीटर बाहर तो ये देखिए कौन वर्ग मीटर को पांच टाँग चौदह वर्ग मीटर को गुण पाँच इज इक्वल टू सतुरी तो यही तुम आंसर बाहर बट एटी पे ये देनी तो देख जदि आम यहाँ को पाँच नवा पांच मीटर तार सतुरी ऑप्शन सी हम सठिक उत्तर बुझीपाल ना बड़ रू छोटर क्षेत्रफल फेड़ी दब जी क्षेत्रफल बाहर चौदह वर्ग मीटर बाहर ताको वर्ग मीटर पिछा पांच टाँग खर्च होता गोटे चकलेट को पांच टाँग चौदह चकलेट को कितने चौदह गुण पांच सतुरी टाँग से ही बाहर करदे छत्तीस नंबर देख छत्तीस नंबर गोटे ट्रिकी क्वेश्चन ये पूरा तुमको ट्रिक दरकार तो कमी बाहर करें ऑप्शन आड़ जीव कमी ऑप्शन आड़ जीव पे देख फास्ट धन एगार बै तेईस बड़ तो कमी एगार बै तेईस आर बै सतैश मध्य बड़ किए देखा एगार बै तेईस आर बै सतैश मध्य बड़ किए तुम मैंने भाव कि सार समहर समलभ करवा ना समहर समलभ ये करी कौन कर बताऊँ धरी नव गोटे एक बै दुई आई दुई बै तीन यहाँ भितर बड़ किए समहर समलभ न करी कौन कर एमती गुणीद दुई दुगुण चार आ तीन के तीन बुझ पारे पे मैंने एक बै रु तुमको आउ थे टे बुझे एक बै दुई दुई बै तीन यहाँ भर बड़ किए दुई दुगुण चार तीन के तीन बड़ हूँ पे मैंने किए जोटा गुण जहाँ गुण जोटी तीरचिन्ह रहीपट लिखीद बड़ हूँ दुई बै तीन हूँ बड़ कारण ये चार ये दुई तीन के तीन ये तीन अच्छी ये चार अच्छी तो सी हम बड़ यह गुणी देखी जी बड़ सी बड़ बुझिपाल बर्तमान चल आम से देखा किए बड़ तो देख पे फास्ट आम चेक करवा एगार बै तेईस ये अच्छी तो सहित आम तेर बै सतैश को चेक करवा एगार बै तेईस गुणन तेर बै सतैश तो पे आपको गुणन न पे ये या भर चेक कर तो यू गुण यू गुण यार भैल्यू एटी लिख तेईस को तेरह गुणिकी सतैश को एगार गुणिकी यार भैल्यू एटी लिख यार मान देख कि बड़ हूँ किए पे मैंने तेर बै तेईस तेर बै सतैशा बड़ आस अर्थात ये आंसर हेनी यहाँ से तुम चेक कर आंसर यहीटा ही बाहर यही क्वेश्चन टा पे यही चेक कर गोटे गोटे अप्सन नब गोटे गोटे अप्सन नहीं कि चेक कर
ଏହା ସହିତ ୟାକୁ ଚେକ୍ କଲା ଦେଖିଲ ଇଏ ବଡ ବାହାରିଗଲା, ଏଠି ଦେଇଛି ବୃହତ୍ତମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ତ ଇଏ ବୃହତ୍ତମ ହବନି, ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି 13/27 ଦେଇଛି, 13/27 କୁ କଣ ନବ ପିଲାମାନେ, 13/27 କୁ ଆଉ 11/23 ସହିତ ନବନି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଏ ହଉଛି ସାନ, 13/27 କୁ 7/8 ସହିତ ନବ, ଦେଖିବ 13/27 ବଡ ଆସୁଛି କି ହଁ ବଡ ଆସୁଛି, ତାପରେ 13/27 କୁ 3/17 ସହିତ ନବ, ଦେଖିବ 13/27 ବଡ ଆସୁଛି କି ବଡ ଆସୁଥିବ, ତାପରେ 5/14 ସହିତ ନବ, ଦେଖିବ ବଡ ଆସୁଥିବ, ତାମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏହାକୁ ନେଇକି ଚେକ୍ କରିକି ବୁଝିପାରିବ, ସମହର ସମଲୋପ କଲେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 27 ନମ୍ବର, ଏକ ପରୀକ୍ଷାରେ 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇଁ +5 ମାର୍କ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ମାର୍କ କଟିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ, ତମ ପରୀକ୍ଷା ତ ଏମିତି ହୁଏନି, ଯେତେବେଳେ ତମେ ବଡ଼ ହବ, ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପଢିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପକଉଛୁ, ସେଥିରେ କଣ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ କରିଦେଲା ପିଲାମାନେ, ତମେ ଭୁଲ କଲେ କଣ, ତମକୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଠୁ ମାର୍କ କଟିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଧରିନିଅ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ କଲୁ, 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ କଲୁ, ତ ତମକୁ କଣ, ତମେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଦେବାକୁ ଯାଉଛ, ଧନ୍ୟ ତମେ, ତମ କଥା କହୁଛି, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପିଲା 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ କଲା, 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ କଲା, ତାକୁ କେତେ ମାର୍କ ମିଳିବ ପିଲାମାନେ? 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। ବଟ୍ ଆମର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, 5 ମାର୍କ ମିଳିବ, ଏଇ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ କଲା ପାଇଁ 2 ମାର୍କ କଟିଯିବ, ଟୋଟାଲ ଆମକୁ 3 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଆମର ଏମିତି ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ, ୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ, ଯୋଉଟା ତମମାନଙ୍କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏଇଟାରୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଅପସନ୍ ଆଡ଼ୁଯିବ, କେମିତି ଅପସନ୍ ଆଡ଼ୁଯିବ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲ ଦେଇଛି ଆମର 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ ପାଇଁ 5 ମାର୍କ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 26ଟା ଯଦି ଠିକ ଅଛି, 26 × 5 କରିବ, 26 × 5 6×3 0×3 5×10 13 130। ଆଉ 4ଟା ଭୁଲ ଅଛି ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ 2 ମାର୍କ କଟେ, 4ଟା ଭୁଲ ପାଇଁ -8 ହବ, 8 ମାର୍କ କଟିବ, ତ 130ରୁ ପିଲାମାନେ 8 ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ ହବ, 122, ଅର୍ଥାତ ତାର 122 ମାର୍କ ରହିଛି, ଏଠି ବି ଦେଇଛି 122 ମାର୍କ, ତ ଏଇଟା ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏମିତି ବାହାର କରିବ ଟୋଟାଲ କେତେ ମାର୍କ ଅଛି, ଯଦି 122 ବାହାରିଗଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଦେଖିବ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଅପସନ୍ ଚେକ୍ କର, 25 25 × 5 × 125 ମାର୍କ, ଆଉ 5×10 ଦେଖିବ, ଫେଡ ଏରା କେହି ତା ସହିତ ଠିକ ହବନି, କେବଳ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ ହବ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 2:30 ହେଲେ 100 ମିନିଟ ପରେ, ତ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ମିଶେଇ ଦେବନି, 2:30 ଅଛି, 100 ମିନିଟ ମିଶେଇ କି 2:130, ଏମିତି ନୁହଁ, ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କହୁଛି 60 ମିନିଟ, ତ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କହୁଛି 60 ମିନିଟ, 100 ମିନିଟ ମାନେ କେତେ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ, ଏଠି କ'ଣ 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ଅଛି, ତାକୁ ମିଶା, 40 30 70, 2 × 3 3 70, ତ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ, 60+10, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାକୁ 60 ମିନିଟ, ତ 60 ମିନିଟକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଆମେ ଏପଟକୁ ଆଣିଦେବା, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କାଢ଼ିଦେବା 4:10। ବୁଝିପାରିଲନି? ଆଉ ଥରେ ବୁଝାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲନି ଆଉ ଥରେ ବୁଝାଉଛି, ମୁଁ ଅଛି ତମକୁ ଡବଲ କ'ଣ ଟ୍ରିପଲ ବୁଝେଇବି, ବଟ୍ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ପଢୁଛି, କାରଣ 10 ଦିନ ଟାଇମ୍, 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ ସବୁକିଛି କଭର କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 100 ମିନିଟକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, 100 ମିନିଟକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 1 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ, 1 ଘଣ୍ଟା ମାନେ କ'ଣ 60 ମିନିଟ ପ୍ଲସ 40 ମିନିଟ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି 2:30 ଦେଇଛି, 2:30 ପ୍ଲସ 1 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ, ତ ପିଲାମାନେ 40 30 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ 70, 2×3 2×2 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ 3ଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 3:70, ବଟ୍ ଆମ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେବେଳେ 70 ନଥାଏ, ଆମର କ'ଣ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ 70କୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା 60+10, ତ 60ଟା ହେଉଛି 1 ଘଣ୍ଟା, ଏପଟକୁ ଆଣିଦେବା, 3×1 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ 4ଟା, କେତେ ହବ 4:10, ଆନ୍ସର ହବ କେତେ, ସଠିକ ଉତ୍ତର 4:10। ଦେଖ ଅପସନ୍ କୋଉଠି ଅଛି 8:10, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରାୟ ପିଲା ଆମ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ପିଲା ପ୍ରାୟ ମୋର ଜାଣିଥିବେ, ତଥାପି ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି, ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତେ କିଛି ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ମୋ ସବୁ ପିଲା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଜାଣିଥିବେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ନୁହଁ କି, ଯୋଉ ବର୍ଷ ପଢ଼ିଥିଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ, ଦେଇଛି କ'ଣ, ABC 3ଟି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, ଏଇ ଛୋଟିଆଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, 3ଟା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିପାରିଲ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି, ୟାର ହଉଛି 10, ୟାର ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆଟା ଅଛି 3, ଆଉ ଏଇ ବଡ଼ଟା ହଉଛି ବୋଲେ 6, ତାପରେ ଦେଇଛି ରେଖାଙ୍କିତ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ରେଖାଙ୍କିତ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ବାହାର କରିବୁ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇ ବଡ଼ଟାରୁ ଏଇ ଛୋଟଟା କାଢ଼ିଦେଲେ ଏଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଏଇ ବଡ଼ଟାରୁ ଏଇ ଛୋଟଟା କାଢ଼ିଦେଲେ ଏଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ ରେଖାଙ୍କିତ, ଏମିତି ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ଟାର ବାହାର କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଏ ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ପିଲାମାନେ 10×10 100, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଇଛି ରେଖାଙ୍କିତ, ରେଖାଙ୍କିତ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା 3, ଏଇ ଛୋଟ ବି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ 9, ତ 100ରୁ 9 ଫେଡ଼ି ଦିଅ, କେତେ ହବ ଏଇ ଏଇ ରେଖାଙ୍କିତର କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 91, ତାପରେ ଏଇଟାର ବାହାର କର, ଏଇଟା ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କେତେ 6,
यार बाहु माने कौन ए सी क्षेत्रफल हो 36 आउ ए तीन क्षेत्रफल ए बी क्षेत्रफल हो कह 9 36 रु 9 फड़ा के 16 रु 9 गले 9 के 10 6 16 7 तमें 27 डी देखिल 9 के 10 16 6 रखला 1 27 तो ए सीटा होची 27 एटा होची 91 तो 91 प्लस 27 7 के 8 9 2 11 118 हबो सटीक उत्तर। किंतु देखो पिला माने ए क्वेश्चन डा पूर्व थरक ग्रेस मिलितिला कारण यार आंसर तुमको ऑप्शन ने दे नथिला। देखिबो ऑप्शन देखिबो रुह ऑप्शन नंबर से पड़े अछि देखिबो ऑप्शन ने 118 नथिबो कोन देखिबो ऑप्शन रे 118 नथिबो। देखो पिला माने एठी ऑप्शन देखो ए ऑप्शन ने 118 अछि कि नाही देखो एठी 118 नाही। जदि ऑप्शन ने आंसर नथिबो तमे किछि भी गोल बुल लेके आसा तुमको कौन मिले पे मैंने ग्रेस मिले ग्रेस मैंने दुई एवं हाफ मार्क तुम गोटे क्वेश्चन को तुमको मागणारे मार्क मिल बर्तमान 40 नंबर क्वेश्चन पे मैंने 40 नंबर दे चारोटी पूर्ण संख्यार जोगफल 127 एवं प्रथम टी 28 जोग कले द्वितीय टी 5 वियोग कले मतलब फास्ट संख्या एटा एथेर 18 जोग करिबु द्वितीय रु 5 फेड़बु तृतीय को 6 द्वारा गुणीबु चतुर्थ को 2 एवं 2 बाय 1 विभक्त को 2 एटा को पिला माने जदि हमें पूर्ण संख्या करबा केते हबो 2 2 4 के 5 बाय 2 केते हबो 5 बाय 2 एटा को 5 बाय 2 लिख परबा ता द्वारा भाग कले कोन पिला माने से माने समान होंती। वर्तमान तमे सेया करिक देखिबो एई भली क्वेश्चन जतले पड़िबो सेतेबेले कोन करियो पिला माने ताको सेया करिक देखिबो ऑप्शन गुडा को पुट करिक देखिबो 35 रे 18 जोग करिबो आउ 5 रु 5 वियोग करिबो समान हबो कि 5 रु 5 वियोग कले 0 हे जइबो 35 और 18 वियोग कले पिला माने से केते छि 50 रु अधिक हे जइबो तो एटा त हबनि। वर्तमान ऑप्शन बी देखो ऑप्शन बी रे कोन दे छि पिला माने 12 रे 18 जोग कले केते हबो 12 रे 18 जोग कले 30 हबो 35 रु 5 फेरले पिला माने 30 हबो तो ए दुटा समान हो जइबो। वर्तमान एठी देखो 5 रे कोन पिला माने तृतीय संख्या रे 6 गुणिले 5 रे को 6 रे गुणिले केते हबो पिला माने 30 हबो तीनटा ठीक हे गला। वर्तमान चारटा देखिबा 75 को पिला माने भाग कर दिया केते 2 पूर्ण 1 बाय 2 ताको हम लिख परबा 5 बाय 2 पिला माने हरण को हम गुणन करबा कोन करबा एटा 75 अछि पिला माने 75 गुणन 2 बाय 5 करबा 5 25 सॉरी 15 5 75 15 2 30 तो पिला माने एटा मध्य 30 होउछि तो ऑप्शन बी हबो सटीक उत्तर। वर्तमान हम 40 नंबर पर्यंत क्वेश्चन कर देले आउ पिला माने जहा करबा सेटा नेक्स्ट क्लास रे करबा आउ 20 टी क्वेश्चन कारण बहुत लेट हेले क्लास मध्ये तुमको पसंद न पिला माने मु 40 नंबर क्वेश्चन दा स्पीड करिछि आउ गोटे तुमको 18 नंबर होमवर्क देछि एई दुईटा हबो जदि मु तुमको नेक्स्ट क्लास रे बुझे देबी। रहौछि पिला माने धन्यवाद। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।